हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाय चोपड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट में अभी आयुष व नर्सिंग का ब्रिज कोर्स चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद अभी मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट भी आयुष व नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ब्रिज कोर्स करवाने की प्लानिंग कर रही है। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से कुछ दिनों पहले ब्रिज कोर्स चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी व अन्य सुविधाओं की अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा था और यह जवाब मांगा था कि क्या उसके अंडर आने वाली मेडिकल कॉलेज में ब्रिज कोर्स रन किया जा सकता है। तो इसके जवाब में एमपी यानी मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के कुलपति ने इसकी सहमति गवर्नमेंट को दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर 13 गवर्नमेंट कॉलेज और 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं, जिनमें ब्रिज कोर्स चलाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, जैसे ही गवर्नमेंट के अप्रूवल मिल जाएगी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में भी आयुष व नर्सिंग स्टूडेंट को ब्रिज कोर्स करवाकर एलोपैथी मेडिसिन लिखने की परमिशन मिल जाएगी और MBBS डॉक्टर इसका अपोज न करें तो डॉक्टर की कमी को पूरा करने के लिए बाकी स्टेट भी ये कदम उठा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि NMC बिल में इसका कोई क्या प्रावधान है क्या ब्रिज कोर्स का। तो दोस्तों, NMC बिल 2017 में ये प्रावधान था कि आयुष डॉक्टर को ब्रिज कोर्स करवाकर एलोपैथी मेडिसिन लिखने की परमिशन दी जाए, मगर डॉक्टर्स के अपोज के बाद इस बिल को लोकसभा में पारित नहीं किया गया था और इसको अमेंडमेंट के लिए दिसंबर 2017 में स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया था। मार्च 2018 में स्टैंडिंग कमेटी ने इसको हटा तो दिया था, मगर ये पॉइंट जोड़ दिया था कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स करवा सकते हैं और उसी बेस पर ये स्टेट ब्रिज कोर्स करवा कर डॉक्टर की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे कि इस ब्रिज कोर्स से MBBS डॉक्टर्स की वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, इस ब्रिज कोर्स से MBBS डॉक्टर्स की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्रिज कोर्स करने के बाद आयुष डॉक्टर की डिग्री तो वैसे ही रहेगी, उसको MBBS की डिग्री नहीं मिलेगी, उसको सिर्फ एलोपैथी मेडिसिन लिखने की परमिशन ही मिलेगी। अपने नाम से पहले डॉक्टर तो वो पहले से ही लगाते हैं, तो इससे MBBS डॉक्टर को कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी और रूरल एरिया में डॉक्टर की कमी है उसको पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि अभी देश के बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां MBBS डॉक्टरों की कमी है, तो उनको पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आयुष व नर्सिंग के ब्रिज कोर्स की। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।